Guys, any confusion, any doubts? Use your mic if you have any doubts. सर क्या मैं एमटी के डाउट्स पूछ सकते हैं? हाँ पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलिए। सर पेपर वन के क्वेश्चन नंबर 21 में। पेपर तुम डाल दो। ओके सर, सर एक मिनट। गाइस किसी को कोई और डाउट है? यस एक मिनट। सर ग्रुप पे डाल दिया। अच्छा कौन सा पेपर ओपन करना है बताइए। सर उसमें लिखा होगा मेजर टेस्ट टू और पी हाइफन वन लिखा है, मतलब पेपर वन। ठीक है कौन सा क्वेश्चन इसमें? सर क्वेश्चन नंबर 21 में सर ए और सी में से सर चूज कैसे करेंगे? 21 इन विच द फॉलोइंग केस बेंजीन रिंग इज मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच? ए और सी में? ए तो बहुत बार बताया है। अरे भाई ये केस तो कितनी बार हमने किया है कि NH2 और OH इनमें से किसका रेजोनेंस बेटर होता है, तो बोलते हैं जो नाइट्रोजन है वो जब इलेक्ट्रॉन देता है तो नाइट्रोजन पे प्लस आता है, और जब ऑक्सीजन रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स देता है तो ऑक्सीजन पे प्लस आता है। बताइए विच वन इज मोर केपेबल ऑफ होल्डिंग प्लस चार्ज? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन वाला ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। खत्म, ए आंसर। क्लियर सर? भाई इसमें NH2 के बदले उसने क्या किया, उसने NHCOCH3 लिख दिया और OH के बदले क्या लिख दिया, OCOCH3। तो हमको इन सब ग्रुप से लेना देना ही नहीं था। इट इज नाइट्रोजन विच वॉज गिविंग इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन वॉज गिविंग इलेक्ट्रॉन। हाँ अगर ये कहीं NH- या O- दे देता तो ये ग्रुप बदल जाता, इसमें चार्ज डेवलप नहीं होता, इसमें तो माइनस पहले से और प्लस आता तो न्यूट्रल बन जाता, ऐसा रहता है। और बोलो सर क्वेश्चन नंबर 26 में सर डी ऑप्शन मार्क किया था सर, वो आंसर की मैं गलत बता रहा है। 26 फॉर्मल इथाइल बेंजीन डी ऑप्शन 26 में तो ए बी डी दिया है। नहीं सर, सर पैनेशिया वाले में सर और उधर अलग अलग दिया आंसर। हाँ सर ABC लिखा हुआ है वहाँ पे। हाँ सर इसलिए कंफ्यूज। नहीं नहीं इसमें जो दिया वो सही है सर, ABD आंसर है ना। हाँ सर इसमें लिखा हुआ सर, नेगेटिव मार्किंग मिला है सर। हाँ सी वाला गलत है सर, उसमें मार्क्स कट कर दिए हमारे। क्या जी सर? मार्क्स कट गए थे सर। सर आंसर की इसमें जो दिया वो सही है सर, हम भी ABD लिख के आए लेकिन नेगेटिव मार्किंग हमने लिया। नहीं वैसे तो आसान है, कोई टेंशन नहीं है बेटा। मार्क्स कटेंगे तो सारे बच्चों के मार्क्स कटेंगे, तो आसान सा है, वो चेंज कर देंगे या तो, या आप उनको ग्रुप में कहीं डाल दो कि ये 26 का आंसर इसमें जो दिया है, इसमें जो दिया है वो सही है। और बोलो इसका बेटा, इसी पेज इसी टेस्ट का मेंस पेपर का। लेट मी ओपन दैट पेपर। कैसा गया आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट? अच्छा था। क्वेश्चन कोई ऐसा है जिसने फुल कर दिया हो बेटा? तुम मेरे से केमिकल बॉन्डिंग पूछना चाहती हो? 41 बोलो तो बता दूं। 41 और 42 बता।
40th के लिए पैसे नहीं लिए मैंने, 41 के लिए आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये तो बहुत आसान है बेटा। इसमें केवल आपको पहले तो प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे फंक्शनल ग्रुप जज करना है। ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड, yes, जो कि आपका हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। दैट मींस योर OH विल बी अ प्रीफिक्स, एज अ प्रीफिक्स इट विल बी कॉल्ड हाइड्रोक्सी, Cl विल बी योर प्रीफिक्स विल बी कॉल्ड एज क्लोरो। ठीक, तो ये दिस द मेन फंक्शनल ग्रुप। एंड वी हैव स्टडीड अ स्पेशल नॉमेनक्लेचर फॉर बेंजीन कंपाउंड्स व्हेन अ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड। ये एक स्पेशल पार्ट होता है जिसको बेंजो बोलते हैं। याद करिए, तीन चीज बताई थी, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। ठीक, तो ये नाम हो जाएगा बेंजो नाइट्राइल, या फिर इसको बेंजीन और ये कार्बोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं। तो देखो, इसमें कहीं कार्बोनाइट्राइल दिया ही नहीं, इसने बेंजो नाइट्राइल वाला स्टाइल दिया है, तो ये वाला एक्सेप्ट कर लेंगे। और हाइड्रोक्सी और क्लोरो आपके लिए बन जाएगा प्रीफिक्सेस, नंबरिंग कर दो 1, 2, 3, 4, 5, तो आपका 2 पे क्लोरो आ रहा है और इधर 5 पे आ रहा हाइड्रोक्सी। बस चेक कर लो। तो मैंने सी मार्क कर दिया। अरे नंबरिंग आपको करनी थी CN से और जाना था CL की तरफ। केवल चीफ फंक्शनल ग्रुप को मेन मानते हैं, बाकी सब प्रीफिक्स होता है। फिर समिशन ऑफ लोकेंट्स कर लिया तो CL की तरफ से आपको पहले मिलेगा। और बोलो, 42 भी बोला आपने बेटा, आइसो ऑक्टेन स्टैंडर्ड कंपाउंड है। याद है ना, मैंने बताया था कि आइसो नियो ये केवल 7 कार्बन एटम्स तक वैलिड है, और आइसो ऑक्टेन ट्रेडिशनली इस कंपाउंड को बोला जाता है। ये बहुत अच्छा पेट्रोल वाला जो फ्यूल होता है ना, उसके लिए है ये। तो बस 1, 2, 3, 4, 5, 2 पे 2 मिथाइल है और 1, 2, 3, 4, 4 पे मिथाइल है, तो 2, 2, 4 ट्राई मिथाइल, देखो कहीं लिखा होगा। सर ऑप्शन सी। हाँ बस, फिर आंसर हो गया। सर 20th के ए पार्ट में सर कौन सा टेस्ट चाहिए? सर पेपर 1। अबे तो ऐसा बोलो ना, मैं मेन का पेपर ओपन कर रहा हूँ। मेन में किसी और को कोई डाउट है? एनीवन हैविंग एनी डाउट्स इन मेन पेपर? इसको बंद कर दूं मैं अभी मेन पेपर को? चलिए, आपने पेपर 1 बोला ना बेटा? जी सर। एंड यू आर सेइंग 20th क्वेश्चन? हाँ सर। सर 20th के ए ऑप्शन में सर, हाँ सर ये करेक्ट दे रखा है सर, बट मोर स्टेबल देन जस्ट सर, जो सेकंड स्ट्रक्चर है सर उसमें सीएल पे नेगेटिव चार्ज है ना सर, तो जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो स्टेबल होना चाहिए ना। एक मिनट, पेपर 1 में ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो तुम बोल रहे हो, तो आईयूपीएसी नेम का क्वेश्चन है सर। शायद जो 28th बोल रहा हूं, 28th बोल रहा हूँ, मुझे लगा 20th का ए बोला। नहीं सर, सर 28। ओके, यस बताइए। सर इसमें ए ऑप्शन में सर बोल रखा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एक दे रखा है इज मोर स्टेबल देन, सर दूसरे वाले स्ट्रक्चर में सर सीएल पे नेगेटिव चार्ज है ना। तो सर पहले, हाँ ठीक है, फिर क्या बोल रहे सर, कि जब अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा ना। अरे लेकिन पहले ऑक्टेट चेक करते हैं ना, कार्बन पे प्लस का मतलब है ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ये तो मैंने आपको रटाया हुआ है कि कार्बन पे प्लस का मतलब ही है कि एम्प्टी ऑर्बिटल और उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। पहला रूल ही है चेक ऑक्टेट। पहला है चेक ऑक्टेट, सेकंड रूल है नंबर ऑफ फॉर्मल चार्जेस, और थर्ड रूल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाउ कैन यू यूज थर्ड रूल इन द फर्स्ट स्टेप, ऐसा कैसे कर सकते हो? सर एग्जाम सर क्लिक नहीं किया सर, सॉरी। और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं यार। मैंने बोला ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों स्कोरिंग है, क्योंकि हो सकता है सिमिलर क्वेश्चंस तुमने किए हो, यहाँ केवल स्टाइल बदल देगा, उनको अलग स्टाइल से लिख करके देगा, बट वो कुछ और क्या कर सकता है, कंपाउंड थोड़ी ना बदल देगा। कंपाउंड जो है, जो हम स्टडी करते हैं वो लिमिटेड वे में पढ़ते हैं, तो वो सब बहुत इसीलिए स्कोरिंग हो जाता है। आपको केवल कॉन्सेप्चुअली अच्छे से उसको यूज करना है, एग्जाम्पल्स भी मिलते जुलते ही आएंगे,
बस इसीलिए स्कोरिंग हो जाता है। और बताइए एनी अदर स्टूडेंट, एनी अदर डाउट? पेपर टू 24। एक मिनट, लेट मी ओपन पेपर टू। पेपर टू पेपर टू विच वन बेटा? 24th. What is the doubt? So why only this NH2 one? बिकॉज आपको चेक करना पड़ेगा ना, आप बताओ। सबसे पहले तो चेक कर लो कि विच वन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जो फर्स्ट कंपाउंड है Cl इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दैट कैन नॉट बी द आंसर। सेकेंड कंपाउंड NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो तो इलेक्ट्रॉनिसिटी कम कर देगा बेंजीन की, दैट कैन नॉट बी द आंसर। थर्ड वाला में NH2 है, तो जस्ट कंपेयर NH2 का पावर एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बाय रेजोनेंस एंड OH का पावर। सो आई हैव ऑलरेडी कंपेयर्ड हियर। तो यस, इस वाले केस में रिंग विल हैव अ ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो दिस इज डेफिनेटली द आंसर। देन फोर्थ कंपाउंड CHO गिवन है, दैट कैन नॉट बी आंसर एज CHO इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। COCH3 कैन नॉट बी द आंसर एज COCH3 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देन OCOCH3, नाउ व्हेन यू कंपेयर OCOCH3 विद NH2, जब OH ही पीछे रह गया तो OCOCH3 तो उल्टा क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है बैड वाला। So how can this oxygen give electron to benzene? The electron density will be less than the case when OH is connected to benzene. So this cannot be the answer. Then SO3H electron, sab aap batao kaun sa main check karun? Zyadatar to electron withdrawing hai. OH se zyada power wala keval NH2 group hai. Haan sir, sir, maine Cl wala bhi mark kar diya tha. Na Cl to electron withdrawing hota hai, but uspe to inductive dominating hota hai na. Haan sir. Samjha sir. मेरी सबको एडवाइस है, सारे बच्चे जो हैं इस पेपर को एनालाइज करें अच्छे से, और जो भी तुमने किया हुआ है वो भी एनालिसिस में लिखें, और जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो भी एनालिसिस करके लिखें, और उसको अगर और अच्छा कर सकते हो, नोट्स में और अच्छा लिखा हो, मैंने डिस्कशन में अच्छा बताया हो, या किसी दोस्त से ऐसा कुछ मिल गया हो, यू राइट एवरीथिंग, ठीक है। कंफ्यूजन हो तो उसको ग्रुप में एक बार डिस्कस कर लो, देन यू राइट। और ये सब बहुत फायदा करता है जब आप फाइनल रिविजन करते हो, नहीं तो जब एग्जाम से 15 दिन पहले आप परेशान रहोगे क्या रिवाइज करें क्या रिवाइज करें, तो ये जो पेपर का एनालिसिस करके रखोगे ना, ये उस टाइम पर बहुत काम आएगा। सो एनालाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ऑर्गेनिक का मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, बाकी आप बाकी भी करना चाहो तो इट्स वेरी गुड, ठीक है। 29th क्वेश्चन यू हैव सेड ना? यस सर। इसमें क्या डाउट है बेटा? इसमें भी केवल ये चेक कर लो कि कहीं कोई ऑक्टेट के ऊपर ना चला गया हो, और तो सी वाला भी क्यों होगा? सी वाला? हाँ सर। सी वाला मतलब अनस्टेबल होगा, लेकिन पॉसिबल पॉसिबिलिटी में केवल ये देखा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एटम है वो इधर से उधर शिफ्ट हो गया हो, या फिर परमिसिबल बॉन्ड से ज्यादा तुमने बना दिया। जैसे कि कार्बन है, कार्बन के पास कितनी परमिसिबल बॉन्ड्स हो सकते हैं? फोर, ठीक है। थ्री हो सकते हैं, राइट, टू हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। तो अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसा बना कर दिया है तो ये पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं, तो वो लूज स्ट्रक्चर ही पॉसिबल नहीं है। नाइट्रोजन मॉड्यूल में है क्वेश्चन, नाइट्रोजन की परमिसिबल बॉन्ड्स 3 होती है, लेकिन 4 बॉन्ड्स लगते ही उस पे प्लस आ जाता है, राइट। तो अगर तुम 5 बॉन्ड्स लगा दोगे तो परमिसिबल नहीं है। जैसे देखो किसमें तुम्हारा जो डी वाला ऑप्शन है उसको देखो, उसमें यही प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया उसने। बेस्ट एग्जाम्पल NH4+ है, NH4+ में 4 बॉन्ड्स होते हैं तब उसके ऊपर प्लस आता है। ऐसे एग्जाम्पल्स माइंड में सोच लो ना, तो किसी भी एलिमेंट और एटम का आपको पता चल जाएगा परमिसिबल बॉन्ड्स कितने होंगे। और बोलो
नो द डाउट्स, नॉर्मल लिख से शुरू कर दें। 30th में ही तो डायरेक्ट कर सकना है बेटा, ग्रुप में दिया होगा ना उसमें, क्या बोलते हैं सीएन आपका विड्रॉइंग ग्रुप है मेसोमेरिक से, दैट इज ट्रू। क्या डाउट है इसमें आप बताओ ना, ऑप्शन ए बता दूं, बी बता दूं, व्हिच वन शुड आई टेल यू? सर डी, बस डी वाला, डी फॉर दिल्ली। सीएल इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बाय इंडक्टिव इफेक्ट एज वेल एज मेसो, नो सीएल इज हैविंग लोन पेयर, तो सीएल इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दिस इज प्लस एमिफेयर ग्रुप एक्चुअली। Withdrawing is inductive. Resonance के थ्रू it is releasing because CL has got lone pair. Okay sir. और बोलो, any other doubts? No other doubts? चलिए, so हम लोग normal lecture start करते हैं। All of you go through the basic strength वाला part जो हम लोग discussion कर रहे थे। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में एवरीवन गो थ्रू द बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट, आई विल कंटिन्यू दैट। सर बोलो सर, अगर कोई कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा तो लेस बेसिक होगा ना? कोई कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा तो लेस बेसिक होगा, ऐसा नहीं बोला जाता है बेटा। कोई कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है तो लेस बेसिक नहीं, वो स्टेबिलिटी किस चीज की? वो स्टेबिलिटी उस वाले साइट की जो बेसिक है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया ये NH माइनस, तो बताइए इन दिस कंपाउंड विच साइट इज बेसिक साइट? इज इट N, इज इट कार्बन, इज इट हाइड्रोजन, विच साइट इज बेसिक? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो आपको केवल इस पार्ट की स्टेबिलिटी जज करनी है। तो आप इस पार्ट की स्टेबिलिटी कैसे जज करते हैं? किसी भी चीज की स्टेबिलिटी का मतलब है उसका डिस्पर्जन चेक कर लो। क्या चेक कर लो? डिस्पर्जन, डिस्पर्जन स्प्रेड होना। किस चीज से स्प्रेड होता है? मेसोमेरिक इफेक्ट से वो स्प्रेड हो सकता है। किस चीज से? कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है, यानी अपोजिट इफेक्ट भी हो सकता है, इंडक्टिव से स्प्रेड हो सकता है। अभी तक हमने यही फैक्टर्स पढ़े। तो इस पे देखो लोन पेयर सिंगल डबल दिख रहा है, दैट मींस ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डिस्पर्स्ड हो रहा है वाया रेजोनेंस। तो इसका बताइए बेसिक स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गया कि इंक्रीज कर गया? बोलिए, रिड्यूस, डिक्रीज कर गया, सिंपल आंसर। तो अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि मोर स्टेबल लेस बेसिक, तो वो स्टेटमेंट एब्जर्ड है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी आपने किस चीज की बात की है ना। तो अगर किसी कंपाउंड में कोई एनायनिक साइट की वजह से वो बेसिक है, देन यू हैव टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ दैट साइट, दैट एनायन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर, यस सर। सिंपल सी चीज है। और बोलो, तो ये जैसे किसी ने डाउट मुझसे पूछा, अब उसका क्या जॉब होना चाहिए? अपने नोट्स में इस चीज को हाईलाइट कर ले अभी अभी, उसको जैसे भी अपनी स्टाइल में, अपनी लोकल लैंग्वेज में, जैसा भी चाहे उसको लिखे। अल्टीमेटली तुम्हें ये एग्जाम में परफॉर्म करना है, ठीक है? वहां ये कोई नहीं पूछने वाला तुमने किस स्टाइल से किया, कौन सा घरेलू एग्जाम्पल यूज कर लिया। उसको तो आंसर चाहिए, तुम्हें आंसर निकाल कर देना है। और बोलिए, any other confusion या फिर मैं आप शुरू कर दूँ? बोलिए बड़ा। So we can say that more stable will result in more dispersion, diffusion less basic. फिर आधा नहीं बोलना है ना, क्यों आधा बोलना है? तुम जिस चीज की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो उसका ही डिस्पर्जन चेक करना है, और फिर आप उसको एसिड बेस जो भी उसका कॉन्सेप्ट है आगे उससे रिलेट कर दो। ये मैंने जो लिखा है इतनी चीज, तो स्टेबिलिटी and dispersion, these two are related. So when you talk about stability of carbon ion, then dispersion of negative charge, stability of carbocation, dispersion of positive charge, stability of free radical, dispersion of odd electron. इस तरह से चलेगा। हो सकता है कहीं पर dispersion का word बदल जाए, वो English अच्छे नहीं हो, वहां delocalization word better fit हो रहा हो, तो वो it's okay करके चला देना। मतलब हम लोग negative positive के terms में dispersion बोल रहे हैं, किसी इलेक्ट्रॉन के टर्म में डिस्पर्जन के बदले डीलोकलाइजेशन वर्ड शुरू कर देंगे बोलना, तो इन मतलब वो है मीनिंग उसका वही कि स्प्रेड करना है बस इतना।
Are you getting my point? Yes, sir. Or bolye. Done. What was the last part? Last lecture जो हमने base वाला किया था. सर आपने questions कराए थे. Questions के through theory कराई होगी probably. मैंने last lecture की बात नहीं कर रहा हूँ. Basic strength जब पढ़ा था. Yes sir. है ना? तो we will continue that क्योंकि basic knowledge सबको है. Basic knowledge क्या है? कि basic strength of compound will be checked by electron density. ये basic सा knowledge है. उसके ऊपर सब एडवांस लेवल पे जो चीजें पूछी जा सकती वो हम डिस्कशन कर रहे थे. सो अगेन एक क्वेश्चन में लिखता हूं और यू ट्राई टू आंसर दिस. एक्चुअली मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों में दूंगा. यू ट्राई टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन. सर और एक और डाउट सर, फिनॉल आयुपैक नेम है कि कॉमन नेम है? फिनॉल कॉमन नेम है लेकिन वो आयुपीएसी वाले में एक्सेप्टेड है. तो आज की डेट पे हम फिनॉल लिखना मतलब आयुपीएसी नेम. ओके सर. Guys, get the answer. So, NN क्या? अरे यार, स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ नहीं तो तुम लोग परेशान रहोगे. This is first compound. This is second compound. एक मिनट देता हूं आप सोचिए एंड देन जो एक्सप्लेन करना चाहता है वो अपना माइक यूज कर सकता है. सो नाइट्रो के बाद क्या लिखा? नाइट्रो के बाद एनिलीन. आई गेव द स्ट्रक्चर.
Done? Yes, sir. Yes. Right. Who can explain this? Sir, I should explain. Can you repeat? What did you say? Yes, sir. May I explain? Yes, please. So first वाले case में सी दो alkyl group attached in nitrogen से जिस जो mesomeric effect के कारण electron density बढ़ा रहे इसलिए वो ज़्यादा basic है as compared to the second one. Good. और कोई एक special concept है actually आप देखो ना 40,000 का difference ला रहा है तो छोटा मोटा difference. Steric effect मतलब उससे क्या होगा? How that steric effect is related with basic sir due to steric effect jo nitrogen second wale isme ring ke sath resonance kar raha hai wo first wale mein karne hi karega you so wo steric effect ki wajah se bahut dur chala ja raha hai ring ki ring se chale koi nahi bahut acha sir bola lekin इसमें थोड़ा सा और क्लैरिटी लेकर आओ और ये स्टेरिक इफेक्ट की वजह से जो एन है वो रिंग के प्लेन में नहीं रह रहा तो फिर वो रेजोनेंस नहीं कर पाएगा ये एग्जैक्ट वर्ड है और अगर आप देखो मैंने ऑर्थो इफेक्ट जब पढ़ाया था ना बेंजोइक एसिड में देन आई टोल्ड यू दिस कॉन्सेप्ट जिसका नाम था SIR इफेक्ट जिसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन for resonance there two resonance फिर इसमें क्या और उसके दो examples मैंने आपको दो या तीन कुछ examples दिए होंगे जिसमें nitrogen के इधर group ortho group यहाँ group अगर मान लीजिए एक group हटा दिया और ये तीन group बल्कि है बहुत ज्यादा तो भी होता है लेकिन इतना सोचना नहीं है मोस्टली वो इसी स्टेज इसी तरह से दिखा तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस क्राउडिंग इफेक्ट नाइट्रोजन एंड बेंजीन ये आउट ऑफ द प्लेन हो जाएंगे सो ये इनके लिए हम लिखेंगे नॉट कोप्लेनर एंड रेजोनेंस की बेसिक कंडीशन क्या है कि जिसका भी आपस में रेजोनेंस है वो सिंक में होने चाहिए एक ही प्लेन में होने चाहिए तो ये जो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर इसका खत्म हो जाता है एक और एग्जाम्पल मैंने दिया था NO2 का NO2 के केस में तो केवल ऑर्थो पोजीशन पे दो ग्रुप्स लगा दो तो इसका विड्रॉइंग इफेक्ट खत्म हो जाता था वाया रेजोनेंस ये खत्म हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा अब इसमें और इसमें बस यही है कि नाइट्रोजन इसमें लोकलाइज्ड लोन पेयर वाला हो जाएगा बिकॉज इनका रेजोनेंस जो होगा वो स्टॉप हो गया यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है सिंस दैट इज व्हाई यू विल राइट हियर डीलोकलाइज्ड Which nitrogen will be more basic, having localized lone pair or delocalized lone pair? Localized. तो इसका main जो explanation है वो है SIR effect. Quickly you write. Somebody is asking second में SIR नहीं होगा बोला ना बेटा जी example तो सामने लिखा है तुम्हारे ये जब चेहरा बता दिया गया है कि यहाँ एक जी यहाँ एक जी यहाँ एक जी यहाँ एक जी एच हटा करके कुछ लगने को ग्रुप रिप्लेसमेंट बोलते हैं तो जी होना चाहिए कुल सर अगर क्वेश्चन ये होता कि दोनों में से किसके रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो सर आंसर उल्टा होता ना किसके रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हाँ बिल्कुल सर
Done? Yes, sir. Yes, sir. Sir, बोलिए बट इसमें 4000 टाइम्स तो बहुत ज्यादा ही ज्यादा है ना 40,000 बेटा 40,000 बहुत ज्यादा है इसीलिए तो स्पेशल एक्सप्लेनेशन है नहीं तो खाली मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट डाल करके भी तो कोई एक्सप्लेन कर सकता था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये तो एक डेटा दिया मैंने केवल वो अगर 4 times भी ज्यादा होता तो भी आपको जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है ना किसी भी उसमें वो प्रोवाइड करना है आपको बाकी कोई साइड फैक्टर्स भी हो सकते हैं लेकिन जो मेन फैक्टर है बेसिक स्ट्रेंथ का वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एक में लोकलाइज लोन पेयर है और एक में डी लोकलाइज लोन लिखा भी हो तो दैट ऑप्शन विल नॉट बी सिलेक्टेड ओनली दिस ऑप्शन विल बी सिलेक्टेड एज करेक्ट आंसर ओके शुड आई रिमूव दिस पेज एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको इस बार मैं स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा आप खुद ही बनाइए ये 6 है इसको सोचिए 1 minute एंड यू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन Yes, anyone with the answer? Sir, what's it?
Anyone? सर 5 मिनट से स्ट्रक्चर मैं तब तक बना देता हूँ, बाकी बच्चे भी इसको सोचें। You have to give the perfect answer. ये पहला है कंपाउंड और ये दूसरा वाला है। Anyone with the answer? चल डिस्कशन इसका भी कर लेते हैं। आई जस्ट टोल्ड यू, ये देखिए एस आई आर इफेक्ट के दो फेमस एग्जाम्पल्स मैंने दिए। कांट यू सी दिस? क्या इसमें कहीं तुम्हें दिख रहा है एस आई आर? यस सर। किस केस में दिख रहा है? So first. First. What is the first effect of that SIR here? Yes, sir. NO2 planar nahi hai. NO2 will fail to show its electron withdrawing character via resonance. If NO2 fails to withdraw electrons via resonance, the electron density of this nitrogen will be greater as compared to the case where NO2 withdraws electrons. समझ में आया? कई बच्चे क्या सोच सकते हैं उल्टा, उनको लगेगा CH3 तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, पास गया तो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, दैट मींस सेकंड शुड बी मोर बेसिक, बट ऐसा हुआ नहीं। NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा है, वो रेजोनेंस के उससे विड्रॉ करता है, यहाँ पर रेजोनेंस का विड्रॉइंग पावर खत्म हो गया, इसीलिए रिलेटिवली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी, यहाँ लिख भी सकते हैं रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ग्रेटर। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लो। Have you copied? Sir, 2 minutes. Yes. Sir, 2 minutes, sir. Wait a minute. So, with the help of these two questions, we understood the concept of steric inhibition for resonance in basic strength. और इतना कुछ सोचना नहीं होता है, यही एक दो एग्जांपल्स रहते हैं, मिथाइल के बदले इथाइल कर देगा, बाकी कॉन्सेप्चुअली कुछ थोड़ी ना चेंज होने वाला है। NO2 प्लेन के बाहर जा रहा है तो जा रहा है, वो मिथाइल से जाएगा तो इथाइल से भी जाएगा ही।
सर अगर फर्स्ट वाले केस में जो CH3 लगाए हुए हैं मिथाइल ग्रुप, अगर वो ऑर्थो पोजीशन पे रहते तब तब ये भी जो है सेम हो जाता ना सेकंड के लिए, तो फिर इसमें डिसीजन लेना मुश्किल होता ना। कौन सा ऑर्थो पे हो जाता बेटा? अगर ये मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पे पहुंच जाएंगे तो ये और ये सेम नहीं हो जाएगा? यस सर। अजीब इंसान है ये तो, अपनी दो फोटो दिखा रहा और कह रहा है कौन स्मार्ट है। Should I remove this? Yes, sir. चलिए ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। एक और कॉन्सेप्ट अब आएगा, उसके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आप अपने हिसाब से सोचना। याद रखना हमेशा बेसिक जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है ना वही हर क्वेश्चन यूज करते हैं। जहां पर भी डिफरेंट कुछ होगा ना, वो जब तक आप घर से पढ़कर नहीं जाएंगे, घर का मतलब है क्लासरूम या टीचर से या बुक से, तब तक आप उसको एग्जाम हॉल में अपने आप कुछ नहीं सोचना। अपने आप सोचना है बेसिक कॉन्सेप्ट, व्हाट इज दैट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर मोर बेसिक, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस लेस बेसिक, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इनके अलावा जो हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो एमाइडीन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हो हमने, या फिर हमने अभी इस पे पढ़ा जो स्टेरिक इनहिबिशन फॉर रेजोनेंस है, जो अब पढ़ने जा रहे हैं, वो भी आप बेसिक लेवल पे ही सॉल्व करना, और जितना डिफरेंस होगा वो घर से आप पढ़ के जाएंगे, बस उतना ही यूज करना है आपको। तो इसमें क्वेश्चन मेरा है राइट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। Guys, फटाफट आंसर, यू कैन राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, जस्ट राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। वेरी गुड। चलिए सो डिस्कशन कर लें।
सबने सोच लिया? यस सर। मैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, हाँ? उसके हिसाब से तुम्हारा जो आंसर आना चाहिए, अगर वो तुमने कर लिया तो समझ लेना तुम सही ट्रैक पे हो और प्रिपरेशन बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। अगर तुमने इसके अलावा कुछ किया है तो इसका मतलब जबरदस्ती के दिमाग लगाने वाले बच्चे तुम हो, तुम्हें वो यूज नहीं करना है, ठीक है? तुम्हें जबरदस्ती का दिमाग यूज नहीं करना है, जो फंडामेंटल चीजें हैं उन्हीं से आंसर निकालना है, जो एक्स्ट्रा पढ़ते हैं जिसको आप एक्सेप्शनल केसेस कहिए, एक्स्ट्रा थियोरीज कहिए, वो अगर पढ़कर गए तो ही आप यूज करें, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है आपको, ठीक है? अभी मैं इसका डिस्कशन करता हूं, देखते हैं कि आपको ये आंसर आया कि नहीं। अगर इसके अलावा कुछ भी आया है, भले ही वो सही आंसर हो, मेरे लिए दैट इज इनकरेक्ट आंसर। वो तुमने कैसे निकाल लिया ये तुम खुद जानते होगे, उल्टे सीधे तरीके से, वो हर बार नहीं निकलेगा। तो लेट मी डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर द क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहली चीज जो CH3 होता है ना, अगर आप देखोगे तो इसको हमने रेजोनेंस वाली लिस्ट में भी लिखा हुआ है। आप इसको चेक करोगे तो हमने R ग्रुप करके लिखा होगा। इसका मतलब है कि ये जो है ना, ऑर्थो एंड पैरा पे इफेक्ट ज्यादा दिखाएगा। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, बट इट विल शो इट्स इफेक्ट ग्रेटर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। इसका मतलब है कि ये वाला और ये वाला, these two compounds should be more basic than rest two, ठीक? Although in today's time you will not be able to explain कि CH3 किस तरह से resonance के through electron अंदर भेज रहा है, क्योंकि इसके पास lone pair तो है नहीं। उसके लिए concept है hyperconjugation, that we will discuss later on, but list में लिखा हुआ है, इससे आप direct सोच के बता सकते हो कि ortho and para position पे अगर ये लगा है तो ये electron density ज्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि इसमें resonance का effect आएगा, ठीक? तो इसका मतलब ये और ये ज्यादा बेसिक है। अब इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो रेजोनेंस तो हो चुका, अब इंडक्टिव बचा। इंडक्टिव किसके ज्यादा होगा, इफ मोर क्लोज टू NH2 और अवे फ्रॉम NH2? क्लोज टू NH3। इसका मतलब है कि 4 वाला ग्रुप 2 से ज्यादा बेसिक होना चाहिए। क्या इतना समझ में आया? सबसे पहले तो इसमें हमने देखा कि ऑर्थो एंड पैरा पे लगा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर विल बी ग्रेटर। ठीक है, अगर कोई पूछे क्यों तो आप यहां लिख देना चेक द लिस्ट। किस चीज की लिस्ट? रेजोनेंस ग्रुप की। जो एग्जांपल्स लिखे, OH हो गया, NH2 हो गया, वहीं पर R ग्रुप भी है, वहीं पर AR ग्रुप भी लिखा हुआ है। अब आते हैं बाकी दो, एक ये बचा और एक ये बचा। अब इन दोनों को देखकर बताओ किसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, भले ही वो इंडक्टिव से, और किसमें नहीं लगा? थर्ड वाले में लगा है। सिंपल, इसमें आप बोलोगे ओनली इंडक्टिव इफेक्ट, और यहां लिखेंगे नो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो दिस शुड बी द आंसर। जिन भी बच्चों को ये आंसर आया है वो समझ लें कि वो परफेक्ट एकदम राइट ट्रैक पे चल रहे हैं, उनका उनका आंसर एग्जाम में डेफिनेटली करेक्ट निकलेगा। इसके अलावा अगर किसी बच्चे ने कुछ भी लिख दिया है वो आंसर गलत माना जाएगा अभी के लिए, भले ही वो सही हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बाय फ्लूक आपका सही हो गया या गूगल से सर्च करके सही लिख दिया उससे मतलब नहीं है। बाय फ्लूक लिखा तो भी गड़बड़ है, कोई फायदा नहीं होता। तुमने कुछ भी उल्टा सीधा दिमाग लगा दिया वो भी कोई फायदा नहीं है। ये आंसर आना चाहिए था, ये आप प्रॉपर लिखना और फिर एक क्रॉस का साइन बना देना, ठीक है? और फिर लिखना करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और यहां से एक नया कॉन्सेप्ट आएगा पिक्चर में जो आपको पता चलने वाला है। फर्स्ट यू राइट दिस।
Done, sir. Sir, 1 minute. मैं कॉपी कर लिया. किसी को कंफ्यूजन है इस बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे? एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो सर. नो सर. नाउ शुड आई रिमूव दिस? सर प्लीज वेट. ओके. इस सब को अच्छे से लिखिएगा क्योंकि ये सब चीजें वापस नहीं बताई जा सकती, क्योंकि जब आप बाद में आप पूछने आओगे तो मैं बोलूंगा वो एक्सेप्शनल केस है, आप रट लो, एक ही आंसर रहता है. सो बोलिए बेटा. सो व्हाट हैव यू रिटन अंडर द ऑर्डर दैट ऑर्थन पैरा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग? सो द शॉर्ट लाइन व्हिच यू हैव रिटन जस्ट अंडर द करेक्ट ऑर्डर. लेफ्ट साइड और राइट साइड यू आर टॉकिंग अबाउट? So, left bottom. Left part. यहाँ पर ortho and para electron releasing power greater. Okay, sir. Then I wrote check the list of resonance group. Because in resonance group list you will find alkyl group as resonance group. Done, sir. Okay. Guys, अब ये wrong है, correct answer मैं इसका पहले लिख देता हूं और फिर बात करते हैं. तो इसका जो correct answer है वो है 2 greater than 3 greater than 1 greater than 4. This is the correct answer. ये correct answer. ये आपको नहीं आना चाहिए था. अगर आपको ये आ रहा है इसका मतलब आप conceptually गड़बड़ हैं. आपको वो चीज कैसे आ सकती है जो अभी तक बताई ही नहीं गई है? और अगर वो चीज आ गई कुछ घपले वाले आंसर तक से निकाल कर, इसका मतलब आपका फंडामेंटल वीक है. तो आप 99% केसेस में गलतियां करने वाले हो, क्योंकि ऐसे तो 1-2% ही केसेस हैं. तो इसका इसका मतलब है आपको फिर मार्क्स नहीं आने वाला एग्जाम में. ये आंसर आपका नहीं आना चाहिए था. ठीक. अब ये करेक्ट आंसर है. नाउ चेक विच कंपाउंड इज लीस्ट बेसिक हियर, फोर्थ वन. और वो हमारे आंसर में क्या था? मोस्ट बेसिक. देखिए ड्रास्टिक चेंज आया. आप सोचो अगर ये फोर्थ कंपाउंड दिया नहीं होता क्वेश्चन में, तो ये जो क्वेश्चन है ना इसका लेवल जेई मेन जैसा हो जाता, क्योंकि बाकी सब ऑर्डर में परफेक्ट है, केवल आप वो फोर्थ कंपाउंड को हटा दो. एम आई करेक्ट? यस सर. यस सर. ठीक है. ये होता है लेवल में डिफरेंस आ जाना. जैसे ही उसने तुम्हें फोर्थ कंपाउंड साथ में डाल दिया तो ये एडवांस लेवल का अच्छा क्वेश्चन बन गया. ठीक. और इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है उसका नाम है SIP. व्हाट इज द नेम? SIP. इसको बोलते हैं स्टेरिक फ्यूजन. स्टेरिक इनहिबिशन फॉर प्रोटोनेशन. दिस द रीजन. अब ये क्या है, कैसे इसको यूज करते हैं, नाउ यू हैव टू सी. एक छोटा सा घरेलू एग्जांपल मैं आपको देता हूं. इफ आई से ये आप हो, ठीक है, और ये आप के पेरेंट है, मम्मी हो सकती, पापा हो सकते हैं, और कोई है जो तुम्हें थप्पड़ मारने आ रहा है, तुम्हारे गाल में थप्पड़ मारने के लिए आ रहा है, तो बताइए जब वो थप्पड़ मार रहा होगा तो तुम्हारे पेरेंट क्या करेंगे? चिल्ड्रन ट्राई टू प्रोटेक्ट.
क्या बोला डिपेंड करेंगे हमें प्रोटेक्ट करेंगे द राइट वर्ड इज प्रोटेक्ट कर ठीक आप दूसरा एग्जांपल तुम यहीं पर खड़े हो मारने वाला भी यहीं पर है और पेरेंट बहुत दूर है बताइए अब क्या करेंगे हो पाएगा क्या तुम्हारा प्रोटेक्शन नो सर बोलते हैं प्रोटेक्शन नॉट पॉसिबल आप वापस एग्जांपल रिपीट कर सकते हैं अरे यार कोई बताएगा क्या इसको ये घरेलू एग्जांपल डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या बेटा नहीं सर सर वाईफाई ऑन ऑफ जा रहे हैं कोई बताएगा इसको सर आप ही बता दो अरे यार ये मेरे से दोबारा ये सब एग्जांपल्स नहीं बताए थे चीप एग्जांपल्स हैं एक बार से ज्यादा फिर इनकी वैल्यू खत्म हो जाती है एक ही बार सुनने में अच्छा लगता है मैं डायरेक्ट क्वेश्चन वाले आंसर्स पे आता हूँ गाइस नाउ प्लीज लिसन दिस इज NH2 ग्रुप ये तुम हो तुम पे हमला करने के लिए H+ आ रहा है कैन यू सी यस सर यस सर अच्छा एक चीज याद रखना अगर अटैक हो पाया देन The compound will be called more basic. समझ में आया? चोर आया और चोर ने तुम्हारा पैसा लूट लिया तो चोर तुम्हारे बारे में कहेगा कि yes, you are rich. अगर उसको पैसा नहीं मिला या वो चोरी नहीं कर पाया मतलब अल्टीमेटली उसको पैसा नहीं मिल पाया तो वो तुम्हारे बारे में क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेगा यू आर नॉट रिच सिंपल उसको पैसा मिलेगा तभी वो तुम्हारे बारे में कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता है कि तुम रिच हो उसी तरह से अगर H+ अटैक कर पाया देन दिस कंपाउंड विल बी कंसिडर्ड एज बेसिक मोर अटैक मोर बेसिक आर यू गेटिंग दिस पॉइंट ठीक है अब आप ध्यान से देखो द सेम सिनेरियो NH2 है अपनी जगह पर H+ भी अटैक करने के लिए आ रहा है और यहां पर एक ग्रुप लग गया जी ये समझ लो तुम्हारा पेरेंट यहां पर है तुम्हारे पेरेंट ने क्योंकि वो डिस्टेंस वाइज पास में और अपने क्राउड से क्राउडिंग इफेक्ट से वो तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि H+ के लिए नाउ इट बिकम्स डिफिकल्ट लिटिल डिफिकल्ट टू अटैक बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा क्राउड ठीक है या तो ये प्लेन से बाहर चला जाए अगर वो रिंग के प्लेन में और जी भी रिंग के प्लेन में तो प्रोटेक्शन डेफिनेटली होगा अब सोचिए एक तरफ मम्मी है एक तरफ पापा है और तुम यहाँ पर हो और कोई तुम पे हमला करने के लिए आ रहा है बताइए प्रोटेक्शन बढ़ गया कि कम हो गया सब बढ़ गया बढ़ गया यानी कि यहाँ पर बेसिक और रिड्यूस हो गई कि बढ़ गई बढ़ गई अबे प्लस बताएगा कि तुम बेसिक हो कि नहीं क्या H+ को इलेक्ट्रॉन मिल पाया यहाँ पर नो सर नो सर नो सर समझ में आया H+ इज लाइक भिखारी चोर है ये जिसको ये इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और ये उसको नहीं मिल पाया तो क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेगा तुम्हारे लिए कि यू आर नॉट रिच लेस बेसिक यहाँ पर भी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज किया था तो आप देखो इसमें किस केस में वो SIP लग रहा है Can you see? Yes, sir. Fourth case. This is the extra explanation, a special explanation why this compound is least basic here. So this is due to? SIP. SIP. Aa ek magical cheez dikhate hain. Can you see SIP here also? Yes, sir. Yes. जिसको तुम सोच रहे थे कि मिथाइल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है इलेक्ट्रॉनिसिटी बढ़ाएगा वो एक्चुअली SIP के थ्रू इलेक्ट्रॉनिसिटी कम कर रहा है इसीलिए ये कंपाउंड लेस बेसिक है सो इसके दो एक्सप्लेनेशन है दो रीजन है व्हाई दिस कंपाउंड इज लेस बेसिक एक तो NO2 का SIR हो गया SIR नहीं हुआ इसमें SIR और इसमें SIP हुआ तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है NH2 के ग्रेटर हुई और इसमें जो है प्रोटेक्शन की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ रिड्यूस हुई सो दोनों जो एक्सप्लेनेशन से वो सेम आंसर तक पहुंच रहे हैं यस सर सर अभी हमको इस क्वेश्चन के लिए नहीं हमें यहाँ पर फोकस करना है सो
तो ये पेज ओपन कर दूं मैं सर, इसमें कॉपी करना बाकी है थोड़ा। किधर? इधर सर, वो सेकंड पेज जो इसके पहले दिखाया आपने, ये वाला, इसके बाद वाला, इसके बाद ये वाला ना सिद्धन। हाँ, ये वाला इसी को तो मैं कह रहा हूँ, इसको ओपन कर देता हूँ। कॉपी दिस सर, आपने जो यहाँ जी जी लिखा है सर, सर इसमें बस अल्काइल ग्रुप होना चाहिए क्या? कोई भी ग्रुप, एक ग्रुप है उसका कुछ और इफेक्ट भी हो सकता है। कोई ग्रुप है जिसका एक इफेक्ट यहाँ पर एसआईपी वाला है, बस उसके से थोड़ी ना मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, रिलीजिंग है वगैरह वगैरह। ओके सर, एक्सप्रेस को क्यों नहीं मिल पाएगा इलेक्ट्रॉन पे, नहीं समझ रहा। किसने पूछा अभी? यश। हाँ, क्या बोला बेटा तुमने? सर हाइड्रोजन आ रहा है तो वो इन ग्रुप्स की वजह से उसे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों नहीं मिलता? इट्स लाइक बॉडीगार्ड बेटा, मान लो कि यहाँ सलमान खान है और उसके दो बॉडीगार्ड है, तो इट विल बी इजी फॉर यू उसको पीटना, या मतलब डिफिकल्ट होगा तुम्हारे लिए? डिफिकल्ट हो। हाँ, तो एक क्राउड उसके आजू बाजू है इसलिए तुम्हारे डिफिकल्ट हो गया। वैसे समझ लो H+ का अटैक है NH2 का, अगर क्राउड बाजू में रखा हुआ है तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर H+ टू अटैक, और H+ अटैक नहीं कर पाएगा तो कंक्लूजन ड्रॉ करेगा द कंपाउंड इज लेस बेसिक। कॉपी दिस, अपनी स्टाइल में, अपनी लैंग्वेज में कैसा भी करके लिखो, एंड में आंसर तुम्हें सही निकालना एग्जाम में। बट सर ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ स्पेशल केसेस के लिए ना? तो भाई बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमने स्टार्टिंग में पढ़े ना, तो स्पेशल केसेस ही तो चल रहे हैं। ओके सर। सर एसआईपी का एक बार फुल फॉर्म रिपीट कर सकते हैं? ऑलरेडी रिटन बेटा। सर लास्ट वर्ड जो क्या है लिखा है वो समझ नहीं आ रहा। प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मींस अटैक ऑफ प्रोटॉन। ओके।
सर मुझे एक सीरी डाउट है सर, बोले सर अगर ये ग्रुप उसे प्रोटेक्ट कर रहा है सर और वो H प्लस उसे अटैक नहीं कर पा रहा उसके इलेक्ट्रॉन्स को सर, तो वो लेस बेसिक कैसे हुआ सर? उसके इलेक्ट्रॉन्स उसी के पास रहेंगे ना फिर? हाँ हाँ, लेकिन किसी की बेस, जैसे तुम अमीर हो, जब तक लोग पैसे देखेंगे नहीं कैसे पता चलेगा कि तुम अमीर हो? तुम थोड़ी ना शोर मचा रहे हो, तुम या तो खर्च करोगे, घर खरीदोगे, कुछ दिखना चाहिए ना। तो यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि जितना एसिड बेस रिएक्शन ज्यादा होगा उतना एसिड बेस की स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है? तो एसिड तो यहाँ H प्लस है, फिक्स्ड है, तो जो बेस है वो जितना ज्यादा बेसिक होगा उतना रिएक्शन ज्यादा होगा। अगर रिएक्शन हो ही नहीं पा रही है तो आप कैसे बोलेंगे कि ये एसिड बेस है? उस हिसाब से लेस बेसिक। हाँ, तुमने एग्जाम दिया, तुम फेल हो गए, कोई बोलेगा क्या कि तुम टैलेंटेड हो? तुम्हारा एग्जाम में परफॉर्मेंस जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना कंक्लूजन निकलेगा कि तुम ज्यादा टैलेंटेड हो। तुम कितना भी टैलेंटेड हो, वो जब तक एग्जाम में नहीं दिखाई देगा सोसाइटी उसको नहीं मानेगी। वैसे यहाँ पर है, जब तक एसिड बेस रिएक्शन होगा नहीं किसी कंपाउंड को बेस नहीं बोला जाएगा। ये भी इसमें कुछ कॉपी करना है किसी को? इसको केवल यहां पर हाईलाइट कर लेना, द चेंज। शुड आई रिमूव एवरीथिंग नाउ? यस सर। सर एक मिनट। सर डन। आई एम गिविंग यू टू थ्री क्वेश्चंस, आप अटेम्प्ट करो, एंड इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, बाकी सब एसआईपी के बेसिस पे आप आराम से निकाल लोगे। एक्सेप्शनल क्या है, तुम खुद भी एक्चुअली में सोच पाओगे अगर तुम्हें नॉर्मल वाले कॉन्सेप्ट्स पता हैं तो। इन ऑल केसेस यू हैव टू राइट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। In all cases, you have to write basic strength order. Quick. एक साथ अपना आंसर शेयर करना, अलग अलग नहीं।
सर जब कंपेयर कर रहे हो तो एसआईपी वाले को एकदम लास्ट प्रायोरिटी देनी है ना, मतलब इंडक्टिव मेजरमेंट चेक करने के बाद। वो तुम्हें सोचना है बेटा, अभी डिस्कशन करते हैं। आप पहले अपने हिसाब से आंसर लिख दो। ओके डन। वेट सर। डन सर। सर बस 2 मिनट। Should I discuss? Yes. Sir. Guys, देखिए बहुत सिंपल सी चीज है। जो NO2 है दैट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बाय रेजोनेंस। किसी को कोई डिफिकल्टी इस चीज में? नो सर। एज वेल एज वाया इंडक्टिव, बट पहले चेक क्या करते हैं? रेजोनेंस। इसका मतलब है कि ये जो पैरा पे इफेक्ट है और ये जो ऑर्थो पे इफेक्ट है दैट इज ग्रेटर, और ये विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो इसका इन दोनों का तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक,
और इसमें SIP लग रहा है तो इसका मतलब ये और कम हो जाएगा. आर गेटिंग दिस पॉइंट कि दोनों में कम हो रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर बाय रेजोनेंस और इसमें SIP लिखा तो और कम हो गया. ठीक. और इसका इंडक्टिव से विड्रॉ है तो रिलेटिवली कम विड्रॉ कर रहा है और इसमें कोई भी विड्रॉ नहीं कर रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगा. सो आंसर जो मैंने लिखा है वही सामने. इज इट क्लियर? किसी को कोई डिफिकल्टी इधर? हाँ. अब इसमें आ जाते हैं. सीएल जो होता है ना दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाया रेजोनेंस, लोन पेयर होता है ना, बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाया इंडक्टिव. नाउ विच इफेक्ट डोमिनेट्स फॉर हैलोजन? इंडक्टिव डोमिनेट. दैट मीन्स ओवरऑल दिस विल बी कॉल्ड withdrawing. And when electron withdrawing group, that means in all three cases electron density of nitrogen decreases. Is it clear? Bully. Yes. Sir. Yes. और इसमें जो है SIP से और डिक्रीज कर जाएगा कि बढ़ जाएगा? बेसिक क्वेश्चन. और डिक्रीज कर जाएगा. डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है. अब इन दोनों में चेक करोगे तो इसमें प्योर इंडक्टिव लग रहा है, इसमें रेजोनेंस है ही नहीं, इसमें उल्टा रेजोनेंस से कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो रिलेटिवली यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर होगी. रिलेटिवली इफ यू चेक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आएगी वो ग्रेटर होगी इन तीनों में कंपैरिजन. और इसमें कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ क्या हुई? मैक्सिमम. तो ये आंसर इसका है. किसी को की डिफिकल्टी कोई? सर बोले बेटा. सर हमने सेकंड और थर्ड में मतलब सेकंड का रेजोनेंस भी कंसीडर किया ना, तो फिर हम लोगों ने फोर्थ के लिए क्यों नहीं किया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा विड्रॉ नहीं कर पा रहा है ना, क्योंकि उसके रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा बढ़ाता भी है. हां सर. क्लियर है? अब इस पे देख लो, ये वाले केस में OCS3 के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है. OCS3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वाया रेजोनेंस एंड OCS3 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाया इंडक्टिव. ये बिल्कुल जैसे Cl है, लेकिन इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? रिलीजिंग. रिलीजिंग बिकॉज कौन डोमिनेट करता है? रेजोनेंस डोमिनेट्स. तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है इसीलिए यहाँ पर चेंज देख रहे हो, तो इसको मैंने बोला था एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन भी तुमको पता चल पाएगा कि इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग. ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस के थ्रू बढ़ा रहा है. केवल क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा तो रहा है लेकिन इसमें SIP की वजह से बहुत ज्यादा डिक्रीज होता है. लेकिन इस वाले से थोड़ा ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें तो केवल विड्रॉइंग इफेक्ट है. क्या आप समझ पा रहे हो? ओनली विड्रॉइंग इफेक्ट इंडक्टिव का, इसपे तो कोई रिलीजिंग इफेक्ट ही नहीं, राइट? तो इसीलिए ये इस टाइम पे लास्ट में. अब इसको आप एक्सेप्शनल करके याद कर लो या जो मैंने अभी बता दिया, ठीक है? और बाकी तो आपको क्लैरिटी चल रही है, यहाँ पर पता क्लियरली है कि ऑक्सीजन इज गिविंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेस. और यहाँ पर तो कोई ग्रुप ही नहीं है रिलीज करने वाला और यहाँ विड्रॉइंग वाला है, ऐसा है. कॉपी कर लो इसको भी. सर सर इंडक्टिव डोमिनेट करता है या मेसोमेरिक, ये कैसे पता चलेगा? केवल हैलोजन में इंडक्टिव डोमिनेट करता है, बाकी सब में रेजोनेंस. ओके सर. सर इसे कॉपी करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देंगे आप? स्क्रीनशॉट ले लो, एक्स्ट्रा टाइम दिया. किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कंफ्यूजन इस पे?
सो सबका ऑर्डर सेम ही है? हाँ, जो मैंने क्वेश्चन दिया मैंने उसी ऑर्डर में जानबूझ के लिखा हुआ है ताकि इधर उधर नहीं जाए और जब आप फ्यूचर में रिवाइज करें तो ये स्क्रीन आपके माइंड में छप जाए। Those who have copied, they can leave, So, पहले वाले में first, sorry, second और third में कैसे differentiate किया है? Second और third में differentiate ऐसे कर रहे हैं कि जो third case है ना उसमें NO2 is withdrawing via resonance and resonance is more effective. तो ज़्यादा withdraw कर लिया electrons तो NH2 का electron density ज़्यादा कम हो गया. कम होने का मतलब है less basic. Okay, sir, got it. So, क्या आप थर्ड वाला फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? किस किस में थर्ड वाला बेटा? So, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में एक्सप्लेन क्या करना? आप बताइए किसकी मैं कर दूं। बाकी तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट लगाइए ना। OCS3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाया रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया, सिटी सबसे ज्यादा बेसिक हो गया। इसमें ओनली इंडक्टिव इफेक्ट है, दैट इज विथड्रॉइंग, तो इसीलिए वो डिक्रीज करा देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसी तरह से किया हमने। Those who have copied, they can leave, Thank you, sir.